पूर्वोत्तर रेलवे की बाढ़ की पानी की वजह से एक ट्रेन निरस्त हुई, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि लगातार बारिश की वजह से कुछ समस्या आया है, जिसमें बढ़नी से लेकर गोंडा के बीच में जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से उस रूट को ब्लॉक किया गया है, जिसके कारण बुधवार को एक ट्रेन कैंसिल हुई है। मंगलवार को 3 ट्रेन कैंसिल थी, जिसमें गोमती नगर नकहा जंगल ट्रेन निरस्त है। कुछ ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, बाकी जो लंबी दूरी की ट्रेनें हैं उनका मार्ग परिवर्तन करके चलाया जा रहा है। यदि कहीं कोई समस्या आती है तो मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचित किया जाएगा। नदियों के जलस्तर की लगातार निगरानी की जा रही है। सभी महत्वपूर्ण पुल पर वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइस लगा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को नदियों के जलस्तर के बढ़ने व घटने की सूचना मिलती है। इसके अलावा ह्यूमन पेट्रोलिंग के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों की यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए सदैव तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, अभी लगातार बारिश की वजह से कुछ समस्या आई है। बढ़नी से लेकर गोंडा के बीच में एक जगह जलस्तर बढ़ा है, जिसकी वजह से वो सेक्शन ब्लॉक किया गया है, जिसके कारण कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई हैं। अगर आज की बात करें तो केवल एक ट्रेन कैंसिल है, कल 3 ट्रेनें कैंसिल की गई थी। ये गोमती नगर नकहा जंगल एक्सप्रेस आज निरस्त है। कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, स्पेशली जो पैसेंजर ट्रेन सुबकपुर और गोरखपुर के बीच में नकहा जंगल के बीच में चलती थी, उसको बढ़नी के आगे निरस्त किया गया है। वो बढ़नी से नकहा जंगल के बीच में चलाई जा रही है। बाकी जो लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं उनका मार्ग परिवर्तन करके चलाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं है। इज्जत नगर मंडल के एक सेक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम आई है, वहाँ भी एक ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया था, और फर्दर हम लोग जैसे भी सिचुएशन रहेगी उसके बारे में सूचित करेंगे। लेकिन जो भी लॉन्ग रूट की ट्रेनें हैं वो सब सुचारू रूप से चल रही हैं। अगर कहीं भी कोई समस्या आती है तो हम आप लोगों के माध्यम से आमजन को सूचित करेंगे। जहाँ तक जलस्तर की निगरानी का प्रश्न है तो उस पर हम लोग लगातार उसकी निगरानी करते हैं। सभी महत्वपूर्ण ब्रिजेज पे हमारे वाटर लेवल मेजरिंग डिवाइसेस लगे हुए हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को सूचनाएं मिलती हैं। साथ ही साथ जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं वहाँ पर स्टेशनरी पेट्रोलमैन या मानसून के दौरान जो सेक्शन आइडेंटिफाइड होते हैं वहाँ पेट्रोलमैन लगाए जाते हैं, जिनके माध्यम से हम लोगों को अपडेटेड सूचना रहती है कि पानी की क्या स्थिति है वहाँ पर। उसकी निगरानी रेलवे पूरी तरह से करता है। रेलवे पूरी तरह से तत्पर है कि यात्रियों को संरक्षित एवं सुरक्षित यात्रा उनकी पूर्ण हो सके।